प्रणीम भुजदं चाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितं वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदं येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कहाँ से चलेगा ये? कहाँ तक हो गया कल? शुक्रात घन हो गया संतरेगा। अच्छा, शुक्रात घन, शुक्रियम, ठीक है, आगे चलो। सोमाट्यण, सोमाट्यण चार नंबर टिप्पणी में दिया है। प्रथमांतात सोम शब्दात देवतास्य इत्यर्थे ट्यण प्रत्यय स्यात्। यह ट्यण प्रत्यय हो रहा है। देवता विशेष का वाचक है सोमा, शास्य देवता, तो इसका अनुवर्तन होगा, है ना? देवता स्त्रीलिंग है ना, इसलिए प्रथमांत समर्थ देवता वाचक सोम शब्द से अस्य इस अर्थ में ट्यण प्रत्यय हो, तद्धित ट्यण प्रत्यय हो। सूत्र में दो पद हुआ सोमात आगे ट्यण, तकार को टकार हुआ, किस सूत्र से? स्टुनाष्टु हो, इस सूत्र से, ठीक है, ट्यण प्रत्यय होगा। ट्यण में टकार की इत संज्ञा होगी चुटू से, अणकार की इस संज्ञा होगी अलंतम से, रहेगा य, य में अ भी है ना? ट्यण में टकार की इस संज्ञा इसलिए किया, स्त्रीलिंग में टिड्ढाणे सूत्र से गी प्रत्यय करने के लिए, अणकार की संज्ञा इसलिए क्या, तहितेश्य चामादे से आदिअच की वृद्धि करने के लिए, हो गया। क्या प्राप्त प्राप्त था यहाँ पर, क्या प्रत्यय? अण है ना, शास्य देवता से अण प्रत्यय प्राप्त था, उसका अपवाद हो गया, कौन सा प्रत्यय अपवाद हो गया? ट्यण। तो देखो, सोमह देवता अस्य, ये विग्रह होगा, सोमह देवता अस्य इति सौम्यम, ऐसा है। सोम यहाँ पर देवता है, वो सोमरस नहीं लेना है, सोम देवता है जिस द्रव्य का, वो द्रव्य को कहेंगे सौम्यम। तो सोम सो अगे ट्यण का य, तो सोम के आदि अच्छ कौन है? उकार, उकार, उकार को वृद्धि देने पर ओ हो जाएगा, ठीक है, और मकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा, यशीति जय सूत्र से, तो शब्द बन जाएगा सौम्य। प्रथमा एक वचन में सौम्यम, तो सौम्यम किसको कहा जाएगा? जिस द्रव्य का देवता सोम हो, उस द्रव्य को कहेंगे सौम्य। जो सौम्य जो सद होता है, सदैव सौम्य, वो अलग है, उधर सो है, वहाँ पर सौ नहीं है, सो है वहाँ पर। तो अब दूसरा एक प्रत्यय हो रहा है, देखो, व्यावृतो पितृ ससो यत, व्यावृतो पितृ ससो यत वायव्यम, ये सब देवता विशेष वाचक है, वायु ऋतु पितृ और उषस, एट है, ठीक है, कौन कौन हो गए? वायु शब्द,
ऋतु, पितृ और उषस हो गया, कितना हो गए? चार। चार। अस्य शास्य देवता, अस्य इस अर्थ में तद्धित यत् प्रत्यय हो, तथित यत् प्रत्यय हो, ये भी अपवाद हो जाएगा, है ना। अण प्रत्यय का अपवाद है, यत में तकार की संज्ञा होगी हलंत्यम से, रहेगा य। जैसे कह दिया वायुः देवता अस्य इति वायव्यम, ऐसा हो जाएगा, मतलब जिस द्रव्य का देवता वायु हो उस द्रव्य को कहेंगे वायव्य। वायुषु आगे यत, यत का य रहेगा, ठीक है। वायु के उ को क्या होगा, गुण हो जाएगा क्या? किससे किससे गुण होगा? हाँ, और गुण से होगा, और गुण से गुण होने पर ओ हो जाएगा, है ना। ओ और ओ को अब आदेश होगा, बांध तो ये प्रत्यय से, अब होने पर वायव्य, नपुंसकलिंग में वायव्यम हो गया। उसके बाद दिया है ऋतव्यम, ऋतव्यम दिया है, ऋतुः देवता अस्य इति ही ऋतव्यम, ये भी ऐसा ही होगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब जो है पितृ शब्द आ गया, पितृ 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 देवता है ना, तो विग्रह क्या करेंगे, विग्रह करेंगे बताओ राजू। क्या हो गया? ऋतु कहाँ से आ गया, ऋतु जा चुका है, पितरी का, पितरी का अरे पितरी नहीं होता है, पितरी का प्रथम आय वचन क्या होता है, पिता होता है, पिता पिता अस्य देवता इति, ऐसा विग्रह करेंगे तो पितरी का पिता होता है, पितृषु आगे हो गया यत, तो पितृषु आगे यद, यद का य, सु का लुक हो गया, तो पितृ आगे य, ऐसा होने के बाद ये सूत्र आता है, देखिए रिंग रितः, रिंग रितः, रिंग प्रथमा एक वचन है और रितः ये षष्ठी का एक वचन, रित का रितः, रित का रित अंगस्य का अधिकार है। अकृत सारधातु को योर दीर्घ, ये सूत्र है ना अष्टाध्याय देख लो, वहीं से अकृत सारधातु को यो हो उसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, और ई की अनुवृत्ति आएगी अयंग ई सूत्र से, और चौ चौ च सूत्र से चौ की अनुवृत्ति आएगी, तो अंगस्य का अधिकार है तो अंगस्य का विशेषण हो जाएगा रीतः, तो क्या होगा फिर, यना विदेश तांतस्य हृदयांतांग हो, हृदयांतांग हो तो, है ना, तो क्या होगा रिंग आदेश, सूत्र में कहा रिंग, रिंग आदेश होगा, रिंग का री रहेगा, गकार की संज्ञा गीत होगा, है ना। तो सूत्र का अर्थ है देखो, वृत्ति में पढ़ते हैं, अकृत यकारे असारधातु के यकारे चौच परे हृदंतांगस्य रिंगादेशः, ये है देखो। तो कितना रथा आपका, पितृ आगे य था ना, सूत्र का अर्थ पहले समझ लो, सूत्र का अर्थ, तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ, अकृत सार्थक और दीर्घ का अनुवृत्ति है ना, इसलिए कृत से भिन्न, कृत से भिन्न प्रत्यय का यकार और साधातुक से भिन्न प्रत्यय का यकार अथवा च्वी प्रत्यय परे रहते हृदंत अंग के स्थान पर रिंग आदेश हो, है ना। जरा फिर से बोलिए।
कृत से भिन्न, कृत से भिन्न प्रत्यय का यकार और सार्थातुक से भिन्न प्रत्यय का यकार और च्वी प्रत्यय परे रहते ऋदंत अंग के स्थान पर रिंग आदेश हो, ये है। तीन हो गया परनिमित्त, तो है ना, प्रत्यय कृत नहीं होना चाहिए, सार्थातुक नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रत्यय का यकार और आगे क्या कहा, ची प्रत्यय परे रहते, है ना, ऐसा कह दिया। जैसे कह दिया देखो पितृ, पितृ के बाद क्या है, य है कि नहीं, ये य जो है किस किस प्रत्यय का, यत का, ये यत प्रत्यय है, ये कृत भी नहीं है और सार्धातुक भी नहीं है, धन में ना, मतलब अर्धातुक तात्पर्य, अर्धातुक होगा ना, अर्धातुक से सार्धातुक तो नहीं है, सार्धातुक किस सूत्र से होती है, सार्धातुक किस सूत्र से होता है, तीन सित सार्धातुकम। तो चलो इसलिए ये जो य है सार्धातुक भी नहीं है और कृत भी नहीं है ना, ऐसा यत का यकार हो गया है, पितृ के वजह यकार है, क्वी तो नहीं है लेकिन यकार तीनों में से कोई भी होना चाहिए ना, तो हो गया, इसलिए पितृ के ऋकार को रिंग आदेश होगा, रिंग का क्या रहेगा, री रैप भी है और ई भी है, सर सर्वादेश होगा कि अंतादेश होगा, अंतादेश होगा, तो गीत कहते हैं ना, गीत च सूत्र है, गीत च परिभाषा से पितृ के ऋकार को आदेश होगा, है ना, तो पितृ हो जाएगा, पितृ रैप और ई दोनों में अंतर है, पहले ऋकार था ऋकार, ऋकार का उच्चारण किसमें होगा, ऋकार का उच्चारण किसमें होता है, मूर्धा, आज रिंग का आदेश किया है तो रिंग में कितना बनना है, री में री दो रेफ और इकार, हाँ, और पितृ में जो अंतिम बनना रे वो तो मूर्धा वाला हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे राजू, पितृ क्या बोलोगे, उच्चारण करके उच्चारण करो, पिता पिता का प्रातिपदिक क्या है, पितृ कैसे होगा, वो कहाँ से आ गया, हाँ कृष्ण है कि कृष्ण क्या है, ये सब अपभ्रंश हो गया है, सब लोग जो है आंचलिक अपनी अपनी भाषा में जो है वो एक संस्कार बन जाता है ना, लेकिन संस्कृत में तो ऐसा नहीं ना, कृष्णा है, क्या है, कृष्णा, क्री भी नहीं है, हाँ जैसे रेफो ई ऐसा नहीं करना है, जैसे यहाँ पर कहा रिंग रितम में, ठीक है, हाँ क्रू भी नहीं है, क्री भी नहीं है, कृष्णा हो गया राजो, क्या है, हाँ क्रू भी नहीं है, क्री भी नहीं है, कृष्णा, समझ में कि नहीं है, ओ मेरे पास एक पढ़ता था, ओ एक दक्षिण का था, वो तो दक्षिण वाले भी ऐसे करते ना, दक्षिण वाले भी ऐसे करते हैं, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई ये संस्कृत है, तो वो मेरे को क्या बोल रहा है, आप उच्चारण करके दिखाइए कृष्णा कृष्णा में, तो मैंने बोला तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तुम ऐसे बोल रहे हो कि उच्चारण करके दिखाइए, नहीं समझ में आया, हेलो आवाज़ आ रही है, हाँ, आ रही है, मैंने, हैं,
उसको समझना होगा ना कैसे बोलना चाहिए। हाँ समझना चाहिए, मैंने ये कहा तुमको भाई, उच्चारण में फर्क होता है, जो वर्ण जैसा है ऐसे ही उच्चारण करना चाहिए, मैंने उनको समझाया। फिर आग्रह होता है ना लोगों का भाई, अपने अपने भाषा में तो चलता है ना, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, संस्कृत में तो जैसा है ऐसे ही बोलना पड़ता है। चलो आगे। अच्छा ये हो गया, तो पितरी आगे य है ना, आदेश करने पर, री आदेश करने पर पितरी हो गया, पितरी आगे य, तो पितरी के री को, री के इकार को क्या होगा फिर, लोप होगा ना, लोप हो जाएगा। यशित जैसे जोड़ दो पित्र्या सु में पित्रम, ऐसा हो गया। उसके बाद देखो उसस का है, उसस है ना, तो उसस में तो उसस शब्द होता है दंत सकारांत होता है, वो है ना, उषह देवता अस्य इति उषस्यम, सकारांत है दंत सकार, उषस ठीक है, उषस है, उषस मतलब उषा काल का जो अभिमानी देवता है ना, वो है जिस द्रव्य के, उषस तो काल होता है, मतलब काल का अभिमानी देवता वो है जिस द्रव्य के, ऐसा करना है, समझ में कि नहीं। तो उषस आगे सु आगे कौन सा प्रत्यय किया, यत, यत का य, यत का य है ठीक है। और अब क्या होगा, उषस के सकार को रू होगा, ससौ सौ रू क्या, रू होगा कि नहीं होगा बोलो, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सकार को रू कब होता है, पदांत हो तो, ये उषस का जो सकार है ना पदांत नहीं है, पर में यह प्रत्यय हुआ ना, भ संज्ञा होगी, यति भाव से भ संज्ञा उषस की होगी, जब भ संज्ञा होगी तो पद संज्ञा होगी, नहीं होती है, सुनते हो भाई, पद संज्ञा किससे होती है बताओ, नहीं जानते है? एक तो और नहीं, स्वादिष्व सर्वनाम स्थान है क्या, स्वादिष्व सर्वनाम स्थान है, स्वादिष्व सर्वनाम स्थान है क्या, हाँ ठीक तो है, स्वादिष्व सर्वनाम स्थान ऐसे है ना, ये पद संज्ञा भी होती है, हाँ पद संज्ञा भी हो जाती है ना, तो यहाँ पर पद संज्ञा नहीं हो, क्यों, भ संज्ञा होने से, इसलिए पद संज्ञा ना होने से ससौ से रू से रू नहीं होगा ठीक है। तो उषस आगे य, उषस आगे य तो क्या हो जाएगा, सीधा उषस्यम ऐसा हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर कुछ होगा नहीं। अच्छा आगे सूत्र, पितृभ्य मातुल माता मह पिता महा एते निपात्यन्ते, ये सब निपातन से होते हैं भाई, ना पितृभ्य मातुल माता मह पिता मह, प्रथमा का बहुवचन है, ये सब निपातन से होते ठीक है। पहला कह दिया पितृभ्य, तब पितृभ्य, पितृभ्य शब्द आ गया, मतलब पितुर्भ्राता इति पितृभ्य, पितृभ्य पितृ के बाद व्यत प्रत्यय कर लिया रखे, ऐसे मान लो निपातन से व्यत कर दिया, पितृ के री को है ना, क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, निपातन कर दिया ना, पितृभ्य किसका नाम है, चाचा, चाचा पिता का भाई चाचा होगा ना, हाँ, और माता का भाई क्या होगा, मा, मातुल मातुर भ्राता इति मातुल,
हो गया। ऐसा है तो मातृ गांस आ गया, डुलच, डुलच प्रत्यय होगा यहाँ पर। ऐसी कल्पना कर लो डुलच, तो डुलच का क्या रहेगा, उल है कि नहीं, उला रहेगा। मातृ के ऋकार के यहाँ पर लोप किया है तो मातुल शब्द हो गया, और क्या है, समझ में ना। तो मातुल, माता के भाई को मातुला बोलते हैं, और माता के पिता को क्या बोलते हैं, माता मह है ना, माता मह। मातृ गंस डामहच, डामहच प्रत्यय करेंगे, डामहच का आमह रहेगा, ठीक है ना। हाँ तो मातृ, मातृ के ऋकार लोप कर दिया तो बन गया मातामह। इसी प्रकार से पितुहु पिता इति पितामह है ना, यहाँ पर भी डामहच प्रत्यय किया, डामहच का आमह रहेगा, पितृ के ऋकार का लोप हो गया तो बन गया, नहीं लोप तो नहीं है, लोप नहीं है, हाँ हाँ लोप है, ठीक ठीक आगे, क्योंकि आमह है ना, आमह है, तरीकार का लोप ही किया है। तो पिता के, पिता को क्या बोलेंगे, पितामह। और उसके पिता को प्रपितामह, और क्या हो गया। उसके बाद देखो तस्य समूह, तस्य समूह, तस्य समूह अर्थ में तद्धित प्रत्यय दिखा रहा है, ये बोलते हैं। तस्य षष्ट्यंत हो गया, समूह प्रथमांत है, तस्य षष्ट्यंत ना करो, तस्य षष्ट्यंत का अनुकरण करके लुप्त प्रथमांत करिए, है कि नहीं, क्योंकि पंचमंत से होगा ना सारे प्रत्यय का विधान, नहीं। तो क्या हुआ, षष्ट्यंत समर्थ प्रातिपदिक से तद्धित अण प्रत्यय हो, किस अर्थ में, समूह, समूह इस अर्थ में, ठीक है। कौन सा सुबंत से अण प्रत्यय होगा, कौन सा सुबंत से अण प्रत्यय होगा, षष्ट्यंत से होगा, ये ध्यान में रखो। जैसे कि हमारे इस बिल्डिंग के सामने कोबा बहुत है, अभी भी बहुत चिल्ला रहे हैं कोवा कोवा तो बहुत समूह है ना, कोवा अकेला नहीं रहता है, समूह काकानाम समूह इति काकम, काक शब्द हो जाएगा, कोवों का समूह है कि नहीं, झुंड। तो विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह, काक आम आगे अण, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आम का लुक हो गया, काक के ककार होते होते अकार का लुप हो गया, तो काक ही बन गया, ठीक है ना, काक ही बन गया। ओ सु में काकम, बका नाम समूह इति क्या बनेगा, बाकम ठीक है। आगे देखो, और समूह अर्थ में अन्य प्रत्यय भी होता है, भिक्षादिभ्योण, भिक्षादिभ्योण, भिक्षादिभ्य, भिक्षादिभ्य पंचमी का बहुवचन है, अण प्रथमांत हो गया, किस अर्थ में होगा, वही समूह अर्थ में होगा, समूह अर्थ में होगा, भिक्षाणाम समूहो इति भिक्षम, भिक्षम, ठीक है ना। भिक्षादि गण है, सूत्र का अर्थ क्या हुआ, भिक्षादि गणपटित समर्थ षष्ट्यंत से परे समूह अर्थ में अण प्रत्यय हो, ऐसा निकलेगा, है ना। भिक्षादियों का समूह, एक प्रकार की भिक्षा होती है क्या, होती है, होती है, और क्या, कई प्रकार के होती है, रोटी है, दाल है, चावल है, और क्या, नहीं और क्या, रोटी दे दिया अभी तो जो, इसलिए भिक्षा में ज़्यादा, भिक्षा में ये नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए,
ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, जो मिल गया हार गया, सही है ना? सो जाता जी हार गया। रोटी मिल गई, हाँ रोटी मिल गई तो रोटी रोटी खाओ, क्या फर्क पड़ता है? रोटी रोटी खाओ, नहीं मिले तो नहीं होगा, नहीं होगा। रोटी रोटी मिले तो, दाल नहीं मिले, दाल मिलेगा दाल बाद में खा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? और साथ में मिलता तो साथ में खा लो, जैसा मिल रहा है ऐसे खा लो बस। ये जरूरत नहीं कि दाल दाल के साथ ही रोटी खाना है बस। बाद में मिला तो बाद में दाल खा लो, क्यों नहीं चलेगा राजू? चलेगा ना, चलेगा ना, अभ्यास करके देख लो पता लगेगा। अभ्यास करके देख, हाँ वही ना है, चलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है भाई, आसक्ति को सब छोड़ना पड़ता है, तब जा करके ये चित्त शुद्ध होगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है, नहीं तो बुढ़ापे में एक ही तो दुख देगा। समझ में आया कि नहीं? विलक्षण साधु होते हैं ये जब सीखना पड़ता है, ठीक है ना? विलक्षण साधु के संग में रहोगे तब तो विलक्षण आएगा, विलक्षण नहीं तो कहाँ से आएगी? हो गया भिक्षा, भिक्षम हो जाएगा। भिक्षा आम आगे और प्रत्यय किया, आदि आज की वृद्धि कर दिया, भी के इकार को वृद्धि करने पर अई हो जाएगा, और छा के आ का लोप कर दिया, ऐसे तेजी से क्या बन गया? भिक्ष सु में भिक्षम, ठीक है ना? आगे है गर्भिणी नाम समूहो गर्भिणम, ऐसा हो जाएगा गर्भिणी नाम। तो गर्भिणी नाम क्या है यहाँ पर? गर्भिणम बन जाएगा। कैसे बन गया? देखो गर्भिणी नाम समूहो ऐसा करना है। हाँ तो यहाँ पर गर्भिणी शब्द होता है, दीर्घ इकारांत होता है ना? हाँ दीर्घ इकारांत, गर्भिणी, गर्भिणी आम आगे अण हो गया, आम का लुक हो गया सुपधातु प्रतिपदिको से, कितना रहा? गर्भिणी दीर्घ इकारांत आगे ओ, है ना? आगे ओ, ऐसा होने के बाद ये भारती का देखो, भस्याढे तद्धिते, भस्याढे तद्धिते, है ना? तो ये वार्तिक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? भस्य ओढ़े तद्धिते, ढ से भिन्न अन्य कोई भी तद्धित प्रत्यय हो, ढ से भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते, भ संज्ञा का अंग को क्या होगा? पूर्णवद भाव हो जाएगा। ये वार्तिक पूर्णवद भाव करता है, क्या करता है? पूर्णवद भाव करता है ना? जैसे यहाँ पर जो अ था, गर्भिणी के बाद अ है, यह अण का अ, ये अण प्रत्यय ढ से भिन्न ना है और तद्धित भी है, इसलिए गर्भिणी को क्या होगा? पूर्णवद भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूर्णवद हो जाएगा ना? इसलिए पूर्णवद भाव जो हो जाएगा तो कितना होगा? गर्भिन, क्या होगा? गर्भिन, गर्भिन नकारांत ही होगा, स्त्री जो है ना, स्त्रीलिंग वाला जो बच्चा का जो है प्रत्यय वो नहीं रहेगा, समझ में ना? इसलिए गर्भिन नकारांत ही होगा। गीप नहीं, गीप पहले था ना, वो गीप चला जाएगा, मतलब दीर्घकार था ना गर्भिणी, वो चला जाएगा तो कितना रहेगा? गर्भिन रहेगा, ठीक है? तो गर्भिन होने के बाद गर्भिन आगे अ नस्तधिते सूत्र से, है ना, टी का लोप प्राप्त होता है, किसका प्राप्त होता है? नस्तधिते सूत्र से गर्भिन में है, गर्भिन, गर्भिन हो गया, गर्भिन आगे क्या है? अ, है ना? गर्भिन आगे अ नस्तधिते सूत्र से टी का लोप प्राप्त होता है। टी कौन है यहाँ पर गर्भिन में?
इन इन का लोप प्राप्त होता है। इन का लोप प्राप्त होने पर अगला सूत्र है प्रकृति भाव करेगा। इनन्या नपत्ते। देखो ये सूत्र है इन अणि अनपत्ते। कितने पद हो गए? तीन। इन इनके बाद अणि, अणि के बाद अनपत्ते, अणि के इकार को लोप कर दिया था ना। हाँ ऐसा है। तो सूत्र का अर्थ देखो, अनपत्यार्थे अणि परे इन प्रकृतिया स्यात्। अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थों में विधान किया गया अनपत्य परे रहते इन प्रकृति भाव हो। इन प्रकृति भाव, इन प्रकृति भाव हो, ये अर्थ हुआ। ठीक है, मतलब उनको कोई लोभ वगैरह नहीं होगा। हो गया ना भाई? तेना नस्त अधिते इति टी लोपो न। ये नस्त अधि से टी का लोप था, वो नहीं होगा। जैसे कह दिया है, क्या कह देते हैं, गर्भिणाम समूह, यहाँ पर अण प्रत्यय है, अपत्य अर्थ में है क्या? नहीं है। किस अर्थ में था? समूह अर्थ में था, है कि नहीं? इसलिए ऐसा अण प्रत्यय परे रहते यहाँ पर जो इन था, इन का प्रकृति भाव होगा, मतलब नास्तहित से ठीक का लोप नहीं होगा, है कि नहीं? तो फिर क्या होगा? फिर गर्भिन, आदि अच की वृद्धि भी तो है ना, ग में अ को वृद्धि गण आ हो गया, है कि नहीं? तो कितना रहेगा? गर्भिन अ नकार को अणत्व कर दिया, गर्भिण नपुंसक में गर्भिणम, मतलब अनेक गर्भिणी माताओं का क्या है, समूह है, समूह है। यह तात्पर्य हुआ। इसी प्रकार से देखो, युवतीनाम समूहो, युवतीनाम समूहो, इसलिए युवनम हो जाएगा, अनेक युवतियों का समूह है कि नहीं? हाँ, युवती शब्द है, युवती शब्द, युवती शब्द भी भिक्षादि गण में पढ़ा गया, लेकिन मूल शब्द तो युवन होता है, नकारांत। युवन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में युनास्ती, युनास्ती से ती, ती होता है, ती प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग में आएगा, देखिएगा, है ना? तो युवती, युवत में प्रातिपदिक क्या है? युवती में हर्षई कारांत होता है, ध्यान में रखो। षष्ठी बहुवचन में युवती नाम हो गया, है ना? जैसे हरि का हरि नाम होता है, ऐसा हो जाएगा। तो युवती आम आगे अण, युवती आम आगे अण, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पुनर्भद भाव हो गया ना पहले, किससे पुनर्भद, किससे हुआ? भस्याढ़े तद्धिते, भस्याढ़े तद्धिते से पुनर्भद भाव हो गया। पुनर्भद भाव हो जाएगा तो ये जो युनास्ती से ती था ना, वो ती चला जाएगा, ती चला जाएगा तो मूल क्या शब्द है, युवन, वो रहेगा। अण प्रत्यय आगे है ना, अण प्रत्यय होने से तो युवन के ऊ को आदि अच की वृद्धि कर दिया, है कि नहीं? हाँ, आगे नस्तहित से जो प्राप्त था टी, टी का लोप नहीं होगा, इनान्याना प्रत्यय, है कि नहीं? तो बन जाएगा यौवन सो में यौवनम, ऐसा हो जाएगा। ग्राम जन बंधुभ्य स्थल, ग्राम जन बंधुभ्य स्थल, ये तल प्रत्यय होगा, तल प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर तल किस अर्थ में है? समूह अर्थ में ले लो, है ना? ग्राम जन बंधु, इतने षष्ट्यंत प्रातिपदिक से समूह अर्थ में तदिता तल प्रत्यय हो। कौन सा प्रत्यय हो? तल। जैसे कह दिया ग्रामाणम समूह इति ग्रामता, ग्राम आम आगे तल, तल का रहेगा त, ठीक है ना? आम का लूप हो गया ग्रामत,
लेकिन जो तल प्रत्यंत होता है वो स्त्रीलिंग में होता है। तलंत लिंगानुशासन है, शब्द लिंगानुशासन में कहा गया तल प्रत्यंत स्त्रीलिंग में होता है, तो क्या बन जाएगा ग्रामता। ठीक है, ग्रामता जनता आ जाएगा, जनानाम समूह इति जनता जनता शब्द आ गया। ठीक है, बंधु नाम समूह इति बंधुता। ठीक है, आगे गज शब्द आएगा, बस इतने में रखता। ओम शांति शांति शांति।